सब्सक्राइब करें प्रशांत का चैनल को और साइड में बेल बटन को क्लिक कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड हमारा चैनल में जितना वीडियो है सभी आप लोगों के लिए फ्री है। हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत का अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, फ्रेंड आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिंगल जो कटोरी है उसे कट करना आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ये रिक्वेस्ट का वीडियो है। बहुत बार मैंने हमारे चैनल में मैंने दिखाया सिंगल कटोरी, तो फिर भी ये रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में मैंने सोचा जितना कटोरी का टाइप होगा वो सारे मेथड आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो फ्रेंड थोड़ा सा पार्ट होगा, सभी पार्ट आप लोगों को देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में सारे जो सिंगल कटोरी का जो लॉजिक होता है वो सभी में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले कटोरी का जो कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, मानिए जो हमारा पैटर्न होता है, जिन लोगों को जो डबल कटोरी पता है उन लोगों के लिए बहुत आसान है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग सिंगल कटोरी कट करना चाहते हैं आप पहले डबल कटोरी एक बार सीख लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किस तरीका से हम ये बाटी और ये पॉटल को किस तरीके से हम लोग करते हैं वो तरीका आप एक बार सीख लीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मगर कोई चीज़ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, सभी इजी होता है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ एक बार उसे आप सीख लीजिए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। डबल कटोरी आप पहले सीख लीजिए, और जिन्होंने डबल कटोरी जानते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत इजी है, और जिन लोग नहीं जानते हैं आप लोगों के लिए भी मैं दिखाऊंगा और सभी टेक्निक स्टाइल में इसमें दिखाऊंगा। तो आप मानिए आप डबल कटोरी जानते हैं और आपके पास इसी तरह दो पार्ट है, तो इस दो पार्ट से किस तरीके से हम लोग कटोरी करते हैं वो तरीका आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी। और उससे पहले आप लोगों को जानना है, तो देखिए जो कटोरी का पार्ट कहाँ पर सेटअप होगा और उसका मेजरमेंट क्या है। इसी तरह आप लोग तो सभी ने जानते हैं, इसी तरह शायद किसी ने डबल कटोरी ना पता हो, मगर ये टेक्निक सभी को पता है जो नीचे में एक एलिट का हिस्सा होता है और ऊपर में एस का हिस्सा होता है। जिन लोगों को अभी तक ये स्टाइल पता नहीं है तो फ्रेंड हमारे चैनल में जाके आप जो हमारा डबल कटोरी है उससे आप सीख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो तक देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, जो कटोरी हम करते हैं तो हमारा जो ये बाटी और पॉटल जो होता है ना, तो इससे एक पार्ट इधर होता है और दूसरी पार्ट इस तरह होता है, दोनों मिलाकर जो होता है वही है कटोरी, यानी कि सिंगल वाला हिस्सा, इसे हम कटोरी बोलते हैं। इस पार्ट को एक तरह एक ही होगा, एक ही पार्ट होगा, और इस पार्ट के अंदर हम अलग अलग हम लोग डार्ट देते हैं, 1, 2, 3, 4 डार्ट देते हैं, कभी कभी 1 डार्ट देते हैं। तो मैंने एक डार्ट देना आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूंगा कि हम और भी जो डार्ट हम देते हैं वो कितना इजी है। तो आप लोगों को सबसे पहले हमें इस जगह का मेजरमेंट ज़रूरी है, और इस जगह का मेजरमेंट ज़रूरी है सिंगल कटोरी काटने के लिए। अगर आप लोग मॉडल में करना चाहते हैं तो मॉडल में इसके कोई अलग से कोई मेजरमेंट नहीं है, हमारे चैनल में मैंने बहुत कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग चाहे वो आप लोग देख सकते हैं। और कटोरी सिंगल कटोरी करने के लिए आप लोग लिख लीजिए क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसे करने के लिए जो मेज़रमेंट ब्लाउज में चाहिए सभी लगता है, मगर बेसिकली ये क्या है, ये हमारा जो क्रॉस पॉइंट और जो क्रॉस विथ होता है, यानी कि टक्स पॉइंट और टक्स विथ जो होता है वो हमें चाहिए अलग से, यानी कि हमें चाहिए। और ये ना होगा तो नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा आप जिन लोगों को फ्रेंड एक्सप्लेन मैं तो बहुत कर रहा हूँ, अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो हमें कमेंट्स में लिखिए, मैं इस तरह का एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा मैं वीडियो जैसा दिखाता हूँ कुछ बिना बताए मैं सिखा दूँगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए क्रॉस पॉइंट होता है क्या कटोरी में। सो सबसे पहले हमारा जो क्रॉस पॉइंट हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, अब किसी वजह से अब ये कट लिया है, तो इसके बाद अब अगर क्रॉस पॉइंट ना पता हो तो ये पार्ट जब हम ब्लाउज यानी कि जो कस्टमर पहनेंगे तो उसके बाद ये सही हो रहा है और गलत, यानी कि हमारा जो टक्स पॉइंट जिस जगह में है तो वो थोड़ा सा अप डाउन
हो जाएगा ये अगर आपको ना पता है। हो सकता है ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो। और उसके बाद ये रहेगा नीचे का हिस्सा, जो हम पोटल का जो डार्ट देते हैं वो तरीका। तो फ्रेंड देखिए ये दोनों का मेजरमेंट यानी कि इससे रिलेटेड बहुत कुछ है इस जगह में। आप नेट में देखेंगे बहुत सारा डिज़ाइन बनता है, मगर इस तरह का नॉलेज आप लोगों के पास ना हो तो फ्रेंड आप कुछ भी नहीं बना सकते। क्योंकि डिज़ाइन अगर आप लोगों को करनी है तो फ्रेंड जो सिंगल कटोरी है, डबल कटोरी है, प्लेन कट, एलिट कट, सभी कुछ आप लोगों को जानना है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड कुछ भी नहीं है और बेसिक से आधार पर ही सब कुछ बनता है। तो चलिए जिन लोगों को इसी तरह पता हो कटोरी का असली मतलब क्या है, तो मैंने आप लोगों को बता तो दिया है। तो इसके बाद देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को दिखा दूंगा। और जिन लोगों को कटोरी ना पता हो तो फिर सबसे पहले प्लीज़ आप हमारा जो ब्लाउज सीक्रेट जो फार्मूला है उसे आप देख लीजिए। उसमें मैंने 26 से लेकर 44 तक अलग अलग वीडियो में बताया है। उसके बाद हमारा चैनल में देखेंगे जो 32 साइज का इस जगह का मेज़रमेंट क्या है, इस जगह का मेज़रमेंट क्या है, यहाँ का क्या है, यहाँ का क्या है, यहाँ का क्या है, तो कितना इजी तरीके से मैंने बताया फ्रेंड। और तीनों मैंने मेज़रमेंट दिया है, मानिए किसी जगह में मैंने 7.5 दिया है, किसी जगह में 8 दिया है, तो किसी जगह में 9 दिया है, 32 में ही दिया है। तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। तो फ्रेंड आप देखेंगे किसी का हाई बस्ट अगर 32 साइज का होता है 36, मगर नॉर्मल बस 40-42 हो जाता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग इसे बयाना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए फार्मूला में उसी तरह मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अब इस वीडियो में फ्रेंड मैंने उस टॉपिक से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो जिन लोगों को पता नहीं है आप एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को बहुत आसान होगा करने में। तो देखिए सबसे पहले हमें तो मेज़रमेंट पता है और हमें इस तरफ क्या करना है देखिए सबसे पहले। और ये अगर हो जिन लोगों को डबल कटोरी पता है तो हमें इसका लॉजिक आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह इसका तो एक लॉजिक है, जानते हैं तो आप लोग, जो लोग हम लोग इस देते हैं और इसके बाहर से बैक पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमारा ये पार्ट अगर हो तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो हमें तो मिल ही रहा है इस पार्ट को मेज़रमेंट, और हमारा सिर्फ चाहिए इस पार्ट का मेज़रमेंट। तो ये हम इस तक क्या है, और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट में कितना आया था ये दिखा रहा हूँ मैं फ्री हैंड टेक्निक फ्रेंड। जो डबल कटरी जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए है, यानी कि हमारा तो एलिट पार्ट है। ये देखिए कटोरी बनता है फ्रेंड इस तरह बनता है। तो इसके ऊपर और ये वाला हिस्सा ये तो ऐसा रहता है, और ये हमारा फिटिंग्स फॉर पैटर्न है फ्रेंड। तो इसमें इस जगह से लेकर इस जगह तक कितना मेजरमेंट आता है तो हमें 4 तक करनी है। ये देखिए हमारा पता चल गया है। तो देखिए कितना इजी है, अगर फार्मूला आप लोगों को पता है, मैंने बहुत मेहनत करके इसी तरह फार्मूला बनाया फ्रेंड, आप चैनल में जाकर देखिए। और ये देखिए हमें 4 इंच करना है, तो ये देखिए इस जगह में हमें 4 ऐसे, तो इधर का मेजरमेंट का हमें पता चल गया है, आप लोगों को इसी तरह करना है। और बचा फ्रेंड जो हमारा इस जगह में जो मेज़रमेंट बचा है, देखिए मैंने एक ड्राइंग भी इस जगह में आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसी तरह ऐसे, और उसके बाद हम इस जगह में करेंगे। तो इस जगह में क्या है देखिए हमारा 3.25 ऐसा लग रहा है, इस जगह में 3.25 ऐसा है, तो हम ऐसा करेंगे। तो चलिए ये इतना सा करके ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्री हैंड मैंने इसे बढ़ा दिया है, अब हमें चाहिए मेजरमेंट और जो डार्ट होता है वो तरीका चाहिए, बस हो गया है। और ये देखिए इस जगह का जो मेजरमेंट है, इस जगह का मेजरमेंट जो है हमें वो ही लेना है। और ये मैं जो सिंगल डार्ट वाला 8.5 है इस जगह में, तो किसी भी हाल में फ्रेंड इस जगह में हमें 8.5 करनी है ऐसे। और नीचे मैंने जो डार्ट दिया है फ्रेंड, आप चाहे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, नहीं तो जो डार्ट मैंने दिया है आप उसी तरह डार्ट दे दीजिए इसी तरह, तो ताकि ये बहुत इजी हो इसी तरह हो। और ये देखिए ये पार्ट भी आपको बोल रहा है इतना सा ही करना है, इसे ज़्यादा नहीं है, ये देखिए
ऐसे और इसके ऐसे, तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा कम कर दूँ इसे, ऐसे कर दें। और एक बात हम लोग करते हैं एक फ्रेंड, जो हम सिंगल कटोरी करते हैं तो ये जो डार्ट देते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, कभी कभी बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा करने से क्या होता है, वो फिटिंग्स का जो जगह होता है वो अच्छा होता है। और ये वाला टेक्निक आप सीधा भी कर सकते हो, ये टेक्निक सीधा भी कर सकते हो, ये बड़ा भी कर सकते हो। बड़ा अगर करेंगे तो डार्ट आप लोगों को बड़ा देना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर स्टिचिंग वो जैसा है वैसे ही आएगा। तो ये टेक्निक तो बहुत ईजी लग रहा है जिन लोगों को डबल कटोरी पता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, जिन लोगों को कटोरी कट करना है तो एक बार डबल कटोरी सीख के आइए और उसी तरह फ्री हैंड करिए, तो आप देखेंगे कितना ईजी है। और उसके बाद फ्रेंड हमारा इस जगह का जो टोटल का जो मेज़रमेंट होता है वो हमें चाहिए 5, और इधर से फ्रेंड